अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, एजुकेशन फॉर ऑल फोरम के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर लेटेस्ट न्यूज के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। कोरोना केसेस में मुसलसल इजाफे का सिलसिला जारी है। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने 7 अजला में गैर निसाबी सरगर्मियों और स्पोर्ट्स पर पाबंदी आयद कर दी है। कोरोना केसेस में मुसलसल इजाफे की वजह से यह फैसला किया गया है। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने 7 अजला में गैर निसाबी सरगर्मियों और स्पोर्ट्स पर पाबंदी आयद कर दी है। स्पोर्ट्स पर पाबंदी आयद कर दी गई है। अपडेट्स देंगे जुनेद रियाज से। जी जुनेद जी, ये जो मौजूदा सूरत हाल है और उस वजह से ये पाबंदी आयद की गई है और ये 7 इस्लाम में जो है ये पाबंदी आयद की गई है। और इसकी बुनियादी वजह यह है कि इससे कबल 20% से ज्यादा केस होने के ऊपर जो है इन इस्लाम में जो है एक दिन स्कूल आना और एक दिन जो है वो छुट्टी देने के अहकाम जारी किए गए थे और बाकी तमाम इस्लाम में जो है वो स्कूल 100% खोल दिए गए थे और हफ्ते में 5 रोज जो है वो स्कूल लगने थे। लेकिन इन 7 इस्लाम में भी जो है स्कूलों में एक दिन बच्चे स्कूल आ रहे हैं और एक दिन छुट्टी हो रही है। और आप स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानब से, क्योंकि कोरोना की केसेस की तादाद में रोज बरोज इजाफा हो रहा है और 20 से ज्यादा केस जो है वो रिपोर्ट हुए हैं गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान, इस वजह से इन 7 अजला में जो है अब गैर निसाबी सरगर्मियों पर भी पाबंदी आयद कर दी गई। और इसमें लाहौर, फैसलाबाद, गुजरात, मुल्तान, रहीम यार खान, सियालकोट, रावलपिंडी शामिल है। और इस हवाले से अहकाम जारी किए गए हैं कि कोरोना के हवाले से SOPs पर सख्ती के साथ जो है इन 7 अजला में अमल दराम। जुनेद रियाज, बहुत शुक्रिया आपका। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हौसला अफजाई के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।